BJP candidate from Jhargram Lok Sabha constituency, Pranath Turu, has alleged that he was attacked by TMC workers while visiting a polling station in Midnapore district. He has claimed that he went to the polling booth after complaints of voters being threatened. The TMC, meanwhile, has refuted the allegations of the BJP and has in fact stated that security personnel of Pranath Turu assaulted women voters waiting to vote at the polling booth. Of course, a back and forth of allegations. We've seen West Bengal voter turnout stand at about 80% yesterday itself. Meanwhile, sporadic incidents of violence have occurred. And now, BJP candidate from Jhargram has alleged that he's been attacked by TMC workers. The TMC has refuted these allegations. They have rejected them, and they have claimed that the security personnel of the candidate assaulted women voters. My colleague Renik Datta joins us on the broadcast. Renik, over to you for more details on this. एक्चुअली देखिए झारग्राम का जो बीजेपी कैंडिडेट है उनके तरफ से कहा जा रहा था कि झारग्राम में गौरबेता एरिया में कल उनको एक खबर मिला था कि बीजेपी का जो बूथ एजेंट है वो बूथ एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है और वो देखने के लिए ही वो कैंडिडेट प्रणव टुडू वो उधर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद ही टीएमसी सपोर्टर्स की तरफ से उनको घेर लिया गया था. टीएमसी सपोर्टर्स की तरफ से उनको धकेला जा रहा था और सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से जब रोकने की कोशिश किया जा रहा था उसी टाइम में प्रणव टुडू को देखते हुए टीएमसी वर्कर्स की तरफ से पत्थरबाजी किया गया और इस घटना में प्रणव टुडू का जो दो सिक्योरिटी पर्सनल उनके सर में चोट लगा है और उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा है. बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी कैंडिडेट उधर पहुंचे थे और उसी टाइम में टीएमसी की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया, पत्थरबाजी किया गया, गाड़ी तोड़फोड़ कर दिया गया और उसके साथ साथ ही जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके ऊपर पत्थरबाजी करने के वजह से सिक्योरिटी पर्सनल का सर फट गया था और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है. दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस तरीके का घटना में टीएमसी का कोई हाथ नहीं है, टीएमसी की तरफ से कोई इस तरीके का घटना नहीं घटाया गया है और टीएमसी का ये कहना है कि प्रणव टुडू का जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से टीएमसी वर्कर्स को बुरी बर्ताव किया गया था, टीएमसी जो महिलाओं है उनके साथ बुरी बर्ताव किया गया था और इसी वजह से उनको उनके ऊपर भरस गए थे आम पब्लिक और आम पब्लिक की तरफ से इस तरीके का हादसा किया गया था, ऐसा टीएमसी का कहना है. दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि झारग्राम जिस एरिया में इस तरीके का घटना घटा है झारग्राम लोकसभा में हार निश्चित है टीएमसी का और इसी वजह से टीएमसी की तरफ से इस तरीके का घटना घटाया जा रहा है, ऐसा बीजेपी का दावा है. और टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से टीएमसी को मेलाइन करने के लिए कोशिश किया जा रहा है और टीएमसी का नाम बदनाम करने के लिए इस तरीके का अफवाह फैलाया जा रहा है. All right, Renik, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.